गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह का बज रहा है 7 और मैं जस्ट नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ और मैं बनाने जा रही थी अपना मॉर्निंग ड्रिंक, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सुगम आप हमें अपनी डेली रूटीन दिखाएं, आप हमें अपना मॉर्निंग ड्रिंक दिखाएं। तो जस्ट अभी मैं आई थी नहा के, तो मुझे एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग ड्रिंक शेयर करूँ। और एज यू नो, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें सबसे मतलब उन्हें ये पता है कि उठ के यानी सुबह उठ के मेरा सबसे पहला काम है नहाना। नहाने के बाद मैं कुछ भी अपना जो लाइफ स्टाइल है वो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सुबह के 7 बजे है, मैं उठ गई थी 6:15 बजे मैं उठ गई थी। तो चलिए बनाते हैं ड्रिंक और दिखाते हैं कि मैं इस समय कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और मैं बोलूँ तो इसने मुझे काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। अगर मैंने लॉकडाउन या इन सारी चीज़ों में कुछ भी ऑयली फूड या मीठी चीज़ खाई है तो इसने मेरा वेट गेन नहीं होने दिया है, ये सबसे अच्छी बात है। और पेट भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए दिखाते हैं कि कैसे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले गर्म पानी, और गर्म पानी के बाद आपको 3-4 स्पून गर्म पानी एक कप में डालना है। और इसके बाद आपको लेना है गिलोय आंवला का जूस, और 3-2 जितना पानी लेंगे उतना ही आपको गिलोय जूस भी लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इसको लूँगी, इसको पीने के बाद अगेन मैं गर्म पानी लूँगी, और उसके बाद मुझे लेना है 2 लहसुन। 2 लहसुन को मैं अच्छे से पहले छील लूँगी। छीलने के बाद आपको इसे इसी चाकू से आप दबा दें, पूरा प्योर मत खाइएगा इसे। अगर ऐसे खाएंगे ना तो आपका जो है वो पेट में ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही पेट में से निकल जाएगा, बिल्कुल भी इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो हल्का सा इसे क्रश करके फिर इस गर्म पानी से खाना है। और जो सेकंड चीज़ करनी है, सेकंड चीज़ में आपको लेना है 5-6 काली मिर्च, मैंने यहाँ पे 4 लिए हुए हैं। और इसके बाद आपको इसे ऐसे ही कूट लेना है, जो आपके घर में कुटनी होती है, बेलन होता है, इसे क्रश करके आप चाहें तो इसे गर्म पानी में डाल दें इस तरह से, और चाहे तो ऐसे ही खा के पानी पी लें। तो इस तरह से दिस इज़ माय मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें लहसुन भी ऐड होता है। ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से, और आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो मैं तो अपना जो है वो मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करके ले आई हूँ, और इसमें काली मिर्च में डाल के पीती हूँ। ऑलरेडी मैंने अपनी जो है मेडिसिन ले ली है थायराइड की, एंड मैंने ले लिया है गार्लिक के साथ मैंने गिलोय और आंवला का जूस ले लिया है। और अब ये थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके मैं ये गर्म पानी पीऊँगी। और ऐसा करते करते, ये सारी चीज़ें करते करते मुझे 7:20 हो जाएगा। 7:20 के बाद मैं चाय बनाऊँगी, और 10-15 मिनट लगेगा मतलब चाय को अच्छे से बॉयल होने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब भर की चाय चढ़ती है, तो वो चाय करते करते तो 15 मिनट मैं इसको करने के बाद मैं चाय पीती हूँ। और चाय मैं बिल्कुल प्लेन पीती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की चाय एक ऐसी है जो मुझे बिल्कुल खाली पीना पसंद है। मैं उसके साथ कुछ भी लेना नहीं चाहती, हाफ कप ही लेती हूँ विदाउट शुगर वो चाय लेती हूँ। चाय लेने के आधे घंटे बाद, उस आधे घंटे में मैं अपने काम फिनिश करती हूँ। आधे घंटे बाद मैं योगा करती हूँ। 45 मिनट्स योगा करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, और ब्रेकफास्ट में जो भी करती हूँ उसे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती जाती हूँ, वो चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आईडी शो हो रही होगी, या फिर मैं नीचे उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्दी रेसिपीज़ के बारे में पता चलता रहे और आपको पता चलता रहे कि आपको क्या लेना है। और ये एक रेंडम सा मैं बोलूँ तो वीडियो था, इसमें कोई भी मैं बोलूँ कारीगरी नहीं थी, मैंने कोई भी सेटअप नहीं लगाया, जस्ट कमरे में आई और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये मैं वीडियो शेयर कर लूँ। तो माइंड मत करिएगा ज़्यादा, तो वही बोलूँगी अगेन, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।